बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस्तग़फ़ार के फ़ायदे। इस्तग़फ़ार से कौन सी नेमतें मिलती हैं? मोहतरम नाज़रीन, इस्तग़फ़ार पढ़ने की बेशुमार फ़ायदे हैं जिनका कुरान और हदीस में ज़िक्र है। अल्लाह ताला का फ़रमान है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। गुनाहों को कैसे माफ़ करते हैं अल्लाह? हदीस कुदसी है कि ऐ आदम के बेटे, ऐ इंसान, अगर तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएं कि सारी दुनिया भर जाए, फिर ज़मीन के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएं और आसमान तक पहुंच जाएं, ये इतने गुनाह मेरा ख़्याल है कि किसी और के नहीं होंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश को कैसे वज़ह कर रहे हैं कि एक इंसान, एक बंदे के गुनाह इतने हो जाएं, आसमान तक पहुंच जाएं। फिर फरमाया कि बंदा सदका दिल से मेरे हजूर इस्तग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे, तो मैं इसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी यही है कि अल्लाह हमें बख्श दे। आगे की बात भी तो सुने। अल्लाह ताला का करम देखें। फरमाया कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाजम पकड़ लेता है। लाजम पकड़ने का मतलब क्या है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, उठते बैठते चलते फिरते जहाँ वक़्त मिला अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करता रहा। इस्तग़फ़ार के और भी कलमात हैं, और भी दुआएं हैं, लेकिन कम अज़ कम सबसे छोटी और आसान अस्तग़फिरुल्लाह है। तो फरमाया कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इस बंदे के हर गम से निजात दे देते हैं, उसे ज़हनी सुकून मिलता है। बड़ी बड़ी ज़िंदगी की परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो बंदा दिली तौर पर मुतमईन और ज़हनी तौर पर पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है। और ये फ़ायदा होता है कि इस्तग़फ़ार का काम, एक रवायत है कि फरमाया जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला का इस पर ऐसा करम होता है कि इसकी हर मुश्किल अल्लाह आसान कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, जिस मुश्किल में फंसे हुए हों, जहाँ भी फंस चुके हों, उस मुश्किल से निकलने के लिए आसानी की नीयत से अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना शुरू करो। अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल से ऐसे निजात अता फरमाएगा कि तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इतना ज़्यादा कर्जा था कि मरते दम तक नहीं उतार सकते थे, लेकिन कसरत से इस्तग़फ़ार का किया तो सारा कर्ज उतर गया और पता भी नहीं चला। मोहतरम नाज़रीन, कसरत से इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानियों में बदल देते हैं। जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, अपने लिए तो करता ही है, दूसरे मोमन मर्दों और औरतों के लिए भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है। या अल्लाह, जितने मोमन बंदे बंदियाँ हैं, मैं सबके लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ और सब की तरफ से इनके गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह तू रहमान है, या अल्लाह अपनी रहमत से आलम इस्लाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो ये बंदा अल्लाह के करीब इतना होता चला जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये बंदा फिर इतना अल्लाह के करीब हो जाता है, जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला इसकी हर दुआ कबूल फरमाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपनी और दूसरों की अगर दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं ना, तो अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो इस्तग़फ़ार करें अपने लिए और दूसरे मोमन मर्द और औरतों के लिए भी। ये वो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, इन पर मेरा अज़ाब कभी नाजल नहीं होता। अल्लाह का
अजाब इन पर नहीं आता, मुसीबतें, बीमारियां और अजाब जो मुख्तलिफ शक्ल में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं फिर ये नहीं आती। बंदे महफूज रहेंगे जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं इनको जिस्मानी रूहानी हर लिहाज से मजबूत तर बना देता हूँ। इनके जिस्म भी मजबूत, रूहानियत भी मजबूत, ईमानी तौर पर भी मजबूत हो जाते हैं। अगर जिस्मानी कुव्वत चाहते हैं, रूहानी कुव्वत चाहते हैं तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। यही वो अमल है जो खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमा रहे हैं कि कुव्वत इस्तिग़फ़ार से मिलेगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं फिर इन लोगों पर आसमान से हमेशा रहमत की बारिश आती है। ऐसे लोगों पर अजाब, वबाएँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ और मुसीबतें आसमान से नाजल नहीं होती, बल्कि आसमान से जब भी बरसेगी रहमत बरसेगी। आसमान से कभी भी इन लोगों पर अजाब नहीं आएगा, कभी भी बीमारियाँ वबाएँ नहीं आएंगी। ये आती हैं तो उन लोगों पर आती हैं जो इस्तिग़फ़ार करना छोड़ देते हैं। तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करें ताकि अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा आसमान से रहमतें नाजल हुआ करें। मोहतरम नाज़रीन, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, माल में बरकत चाहते हैं, माल की फरवानी चाहते हैं तो अल्लाह ताला का फरमान है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे, तुम्हारी मशीयत मजबूत हो जाएगी। माशी हालात में बेहतरी चाहते हो तो कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कारोबार की बंदिशों को तोड़ना चाहते हैं तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। कहीं और जाने की, कहीं तवीज़ गंडे फूके दम करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जबकि अल्लाह ताला का बताया हुआ नुस्खा आजमाओ। जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं कहता हूँ माली मदद करूँगा, कारोबार में भी मदद आएगी, मशीयत को भी मजबूत करूँगा, अल्लाह ताला से बड़ी और सच्ची बात किसकी हो सकती है। तमाम कारोबारी बंदिशों से निजात मिल जाएगी, तुम्हारे खसारे नुकसान पूरे हो जाएंगे, मगर कैसे? फरमाया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाते हैं कि सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसी जगह से इतना बड़ा नफ़ा आ जाएगा ये तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। ये सारी की सारी बरकत होती है। मोहतरम नाज़रीन, अगर औलाद की कमी है, अगर औलाद चाहते हो, बेटे चाहते हो, नूरीना औलाद चाहते हो, अल्लाह की रहमत यानी बेटों की ख्वाहिश है तो फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। कसरत से तुम्हें औलाद अता करूँगा। जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार है औलाद लेने का तरीका, इस्तिग़फ़ार करने से औलाद की कमी पूरी कर दूँगा, औलाद देने वाली कौन सी ज़ात है? बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है। और अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि औलाद लेना चाहते हो तो कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। सबसे बड़ा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार करने का नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया रोज़े महशर जब क़यामत के दिन अमाल का हिसाब होगा और जिस बंदे के नामा अमाल ज़्यादा इस्तिग़फ़ार हुआ उस बंदे के लिए खुशखबरी है जन्नत की, वो बंदा कामयाब हो गया। जन्नती है वो इंसान जिसके नामा अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ मिल गया। इसके लिए अगर चाहते हैं कि जन्नत मिले तो फिर इस्तिग़फ़ार से करें। गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार करो, गम से निजात चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार करो, मुश्किलात से निकलना चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार करो, दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार करो, अजाब और मुसीबतों से महफूज रहना चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार करो, जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत और ताकतवर बनना चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से रहमतों का नज़ूल चाहते हो तो
इस्तिगफार करो। कारोबार में तरक्की और माल में बरकत चाहते हो तो इस्तिगफार करो। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला का फरमान है, इस्तिगफार करो। औलाद नरीना चाहते हो तो इस्तिगफार करो। जन्नत का दाखला चाहते हो तो इस्तिगफार करो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबियाँ और भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक दफ़ा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी कर दें। थैंक यू।